हादसा हुआ था, माफ कीजिएगा अभी प्रकाश कर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले सुशील जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, हम आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि शनिवार को ये हादसा हुआ था केजीएम ट्रामा सेंटर में, उसके बाद से हम तरह तरह की बातों पर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है बदलाव की, उन बदलाव की जिसके तहत अव्यवस्थाएं जल्द से जल्द खत्म हो सके। वहां पर जो अस्पताल मौजूद है, उन अस्पतालों में जो अव्यवस्थाएं हैं, आग से लड़ने के तहत जो वहां पर यंत्र होने चाहिए उसके तहत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, या सब कुछ वैसा का वैसा ही है? यहाँ पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर मैंने आज सुबह कई अस्पताल देखे जहाँ पर जो फायर हाइड्रेंट नहीं थे, वहाँ पर सुरक्षा के उपकरण नहीं थे आग बुझाने के लिए। यहाँ तक कि जो यहाँ का जो मंडली अस्पताल है, काफी बड़ा अस्पताल है और हजारों मरीज आते हैं वहाँ तक, उसमें भी उपकरण नहीं है, उसमें आग बुझाने के लिए कोई भी उसमें फायर हाइड्रेंट नहीं थे। और इसके अलावा जो बेलूपुर में राजकीय चिकित्सालय है उसमें कोई भी उपकरण नहीं थे। मैंने वाकई अधीक्षक से बात की डॉक्टर डीएन गुप्ता से, उन्होंने कहा कि हमने कई बार लिखा है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे साथ लखनऊ की घटना के बाद, जबकि बनारस और बनारस में प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री अक्सर यहाँ आते हैं, उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, आंखें बंद किए हुए हैं, कोई भी यहाँ पर अगर देखा जाए सुरक्षा उपकरण है, जो 80% यहाँ के अस्पताल है वो मानक तय नहीं करते हैं, जो 20% अस्पताल है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मानक तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य महकमा है, चाहे यहाँ के CMO हो, चाहे यहाँ के तमाम अधिकारी हो, वो बिल्कुल आग बंद करके बैठे हैं, किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि बनारस में आग लगे फिर उसके बाद कार्रवाई हो, जिस तरह लखनऊ में हुआ है। उससे साफ है कि यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर ना तो उपकरण है, मरीजों के साथ खिलवाड़ मिलाकर कारस्ता है कि हादसे से अभी भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, मरीजों की